शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि तुम ही हो। हम आज काव्या तो अपने कमरे में है ही नहीं। काव्या कहीं नहीं गई थी, मैं उसे कुलदेवी के मंदिर ले गया था। चूंकि आपकी पत्नी इस पूजा में सम्मिलित नहीं हो रही है, इसलिए गठबंधन की प्रक्रिया अब हम नहीं करेंगे। रुकिए पंडित जी, ये गठबंधन होगा माँ, हमारा गठबंधन कर दीजिए। पंडित जी, अब पूजा की विधि शुरू कीजिए। अब आप दोनों बैठ जाइए। अब आप इनका गठबंधन कीजिए। आप अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए और आप अपना दाहिना हाथ इनके दाहिने हाथ पर रखिए। मेरी मां की साड़ी में काव्या कितनी खूबसूरत लग रही है। चलिए अब सत्यनारायण भगवान की कथा आरंभ करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण की पूजा संपन्न हुई। आज से आप दोनों की वैवाहिक जीवन की एक नई शुरुआत होती है। जाइए भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद भी ले लीजिए। आपका वैवाहिक जीवन बहुत मंगलमय हो।
काव्या नहीं चाहेगी तब तक मैं कमरे में नहीं जाऊंगा। इस नए चेहरे के साथ अपना नहीं लेती तब तक मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा। ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं, ये आपका भी है। जितना इस कमरे पर मेरा हक है उतना आपका भी। इसीलिए आज से हम दोनों इस कमरे में रहेंगे। अंदर चली।
आज तो चूक गया मैं, पर इस पेन ड्राइव को इस्तेमाल करने का दूसरा मौका जरूर आएगा और उस वक्त मैं चूकूंगा नहीं। अच्छा भवानी जी, इजाजत दीजिए। वैसे भी बेटी का ससुराल है और ऐसे में उसकी माँ का यहाँ इतने दिनों तक रहना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए आपसे विनती है कि अब मुझे इजाजत दें कि मैं पार्वती जी को लेके घर जाऊं। हम आप पे दबाव तो नहीं डाल सकते। यहाँ आप लोगों के साथ रहते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक है, फिर अनुमति दीजिए और हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो बेझिझक हमें बताइएगा। जी जरूर। अपना ख्याल रखिएगा भवानी जी। नमस्ते। 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 आइए चले। अपनी हॉल का तमाशा देख के क्या मजा आ रहा आप दोनों को? चलिए। अब आप यहाँ खड़े खड़े किसका मुंह देख रहे हैं? चलिए। हाँ चलो। पाक 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 करती रहती हो बस। काव्या, जानती हो काव्या, ये मेरे सिर्फ एक कमरा नहीं है, मेरे लिए मेरी यादों का पिटारा है। इन चार दीवारों में खेल कूद के बड़ा हुआ, इन्हीं चार दीवारों में मैं जमा हुआ। जब भी अपने इस नए चेहरे को देखता हूं मैं उलझ जाता हूं। क्या ये नए चेहरे वाला करण भी अपनी यादों को अपना कह सकता है? क्योंकि ये तो वो करण है ही नहीं, ये तो कोई और है। मैं आपकी उलझन को समझ सकती हूँ। काव्या, थैंक यू।
मुझे इस कमरे में रहने की इजाजत देने के लिए। ये कमरा तो हमेशा से आप ही का था, आपको इजाजत देने वाली मैं कौन होती हूँ? नहीं काव्या, ये तुम्हारा बड़प्पन है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं इस चेहरे को अपने इतना पास आने देने के लिए तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, तुम यही सोच रही हो ना कि आगे क्या मतलब। मत रोकिए माँ, मत रोकिए, मैं हारते थक चुका हूं। शराब पीने से तुम्हारी हार जीत में नहीं बदल जाएगी, और अगर हार का दर्द इतना ही चुपता है ना तो फिर कुछ करते क्यों नहीं जीतने के लिए, सोचो कुछ। तो क्या सोचूं, क्या करूं मैं जीतने के लिए? हाँ इतनी मुश्किल से मैं जब जब जीत के करीब आता हूं तब तब हार का सामना करना पड़ता है। इस करण को रास्ते से हटा दिया था ना मैंने, यही सोचा था ना कि इस पूरी जायदाद अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। अगर वापस आ गया ना वो, क्या करूं मैं? हाँ बाकी दोष तुम्हारा नहीं बेटा, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो एक्सीडेंट में बच गया, पर जरूरी नहीं कि हर बार किस्मत उसका साथ दे। हाँ तो फिर आप दोनों बाप बेटे मिलकर उसे रास्ते से हटाने का कोई प्लान क्यों नहीं सोचते हो? नया प्लान सोचने के लिए वक्त चाहिए मेनका, वक्त। डैड सही कह रहे हैं माँ, जल्दबाजी में कोई भी लिया गया फैसला खतरे से खाली नहीं होगा। अब मैं धीरे धीरे करण के नजदीक जाके उसे खत्म करूंगा। अच्छा, करण के नजदीक जाकर कैसे? उस करण को अच्छे से पता है कि काव्या पर तुम्हारी कैसी नजर है, वो काव्या के आसपास तुम्हें फटकने भी नहीं देगा, समझे तुम? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, करण तुम्हें आसपास भी भटकने नहीं देगा, पर हर परेशानी का कोई ना कोई इलाज होता है, इसका भी होगा। इलाज मिल गया। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। फिर से थैंक यू। सुबह मेरी बात मानने के लिए। काव्या, कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, पर कोई तुम पे उंगली भी उठाए वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर हो सके तो आज मेरे साथ पूजा में बैठ जाना, ताकि लोग तुम्हारे बारे में बातें करना बंद कर दें। मैं तुम पे दबाव नहीं डाल रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल को सही लगे तो ऐसा करना,
और अगर तुम ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट करना चाहती हो तो भी इट्स ओके, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपकी रिक्वेस्ट मानने का बस मेरा मन किया तो मैं मान गई। कोई वजह ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, घर में सब खुश है। पर तुम्हारे इस पर का मतलब मैं समझता हूं। कावे चिंता मत करो, इस कमरे में आने की जो इजाजत तुमने मुझे दी है मैं इसका कोई भी मतलब निकालने में जल्दबाजी नहीं करूंगा। तुम अपना वक्त ले सकती हो जितना चाहे, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। और जब तुम्हारा मन मान जाए हम फिर से पति पत्नी बन के रहना शुरू कर देंगे, और जब तक ना माने तब तक इट्स ओके। काफी देर हो गई है, मैं चेंज करके आता हूं। हे महादेव, अब ये फैसला तो मैंने कर लिया है, लेकिन मेरे दिल को समझाने के लिए आपको ही रास्ता दिखाना होगा। दुबई के रिटर्न टिकट्स? ये किसने दादी माँ? आप दोनों के हनीमून के लिए दुबई के टिकट्स। किसी भी तरीके से करण और काव्य को हनीमून में जाने से पहले अलग करना होगा। और क्या? प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।